रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। उसका नाम जानने के पहले आप मेरे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, और वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल टेस्टी और बहुत हेल्दी है, झटपट से बन जाएगी। सोया स्टिक्स देखिए कितनी ग्रेसफुल लग रही है, दिखाती लोग बोलेंगे वाह मजा आ गया। तो आइए झटपट से हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सोया चंक्स, सोया बढ़िया भी बोलते हैं, दही जो कि अच्छी फेटा हुआ है, एक टमाटर, शिमला मिर्च दोनों चौकोर पीस में आपको काट के रखना है, नमक, सोया सॉस, रिफाइंड ऑयल, रेड चिली पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, टमाटर केचप, अदरक जो कि अच्छा बारीक बारीक कुटा हुआ है, और कुछ टूथपिक्स जो कि हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो सोया स्टिक बनेगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी क्वांटिटी मिलेगी प्रॉपर, तो आप आराम से बना सकेंगे। तो अब हम लोग आगे बनाते हैं। सोया चंक्स में 2 ग्लास उबला हुआ पानी डाल रही हूँ, और उसको उबले हुए पानी में 10 मिनट के लिए भिगो देती हूँ, और 10 मिनट बाद हम लोग इसको बनाते हैं। एक बाउल में फेटा हुआ दही डाल देते हैं, उसी के साथ नमक, काली मिर्च पाउडर, उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो हमने बॉयल पानी में सोया चंक्स भिगोए थे उसको निचोड़ के हमने डालना है, इस तरह से निचोड़ के डाल रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, 10 मिनट उबले हुए पानी में मैंने भिगोए थे। सारा डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से दही की कोटिंग कर देते हैं इसके ऊपर, पूरा दही कवर हो जाना चाहिए ताकि चंक्स में दही का पूरा फ्लेवर आ जाए। अब इस स्टेज पर हम लोग 15 मिनट और रखेंगे और फिर इसको हम लोग बनाएंगे। इस तरह से आप पहले से बनाकर भी रख सकते हैं इस तरह से, और फिर जब भी आपको जब खाना हो तब आप जल्दी से उसको बना सकते हैं। अब एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर अजवाइन डालना है, और धीमी आंच पर ही हमने इसको हल्का सा पकाना है, और साथ में ही हम लोग अदरक की पेस्ट डाल देते हैं, उसको हल्का हल्का भूनना है। आज धीमी ही रहेगी, यहाँ पे अदरक पक गया है, अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही हमने सोया सॉस, टमाटो केचप डालकर वापस से गैस ऑन करनी है। अभी भी आज धीमी ही रहेगी। अब हमने दही में जो भिगोए थे सोया चंक्स वो उसमें डाल रहे हैं, सारा दही डाल देते हैं, इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ ही टमाटर और शिमला मिर्च दोनों भी डालनी है। अब आंच थोड़ी सी तेज कर देते हैं, पानी सूखने तक इसको पकाना है। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देते हैं, दही के में भी नमक डाला था, अब जब नमक आप डालोगे तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल मैं बिल्कुल हल्का डाल रही हूँ, और मिक्स करना है, सूखने तक पकाना है इसको। सारा पानी सूख गया है, अब सोया चंक हमारे रेडी हो गए, देखिए कितने अच्छे हैं। अब मैं आपको टूथपिक में सारे चंक्स और वेजिटेबल अरेंज करके दिखाती हूँ। टूथपिक में अरेंज कर देते हैं, पहले शिमला मिर्च, फिर सोया चंक, फिर टमाटर डाल देते हैं, फिर एक और चंक डाल देते हैं। देखिए कितनी बड़ी स्टिक्स बनी है, इतनी टेस्टी है। इस तरह से मैं सारे टूथपिक में लगा देती हूँ।